कम आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरियां देने वाला हूं इस वीडियो में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट भी दूंगा। जो जो यूनिवर्सिटी का जो अपडेट होगा नया नया, वो आपको मैं बताऊंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट बताऊंगा, कहां मेरिट लिस्ट आया है, कहाँ का स्पॉट राउंड शुरू हुआ है, कहाँ का क्लासेस शुरू हो चुका है, तो सारे ही यूनिवर्सिटीज़ का मैं इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको BHU का अपडेट देना चाहूँगा। BHU का जो स्पॉट काउंसलिंग है वो शुरू हो चुका है, और PG का जितने भी छात्र अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अभी तक जिनको सीट मिल चुकी थी और किसी कारण से वो अभी तक एडमिशन नहीं लिए थे या छूट गया था, या अभी तक जिनको सीट नहीं मिला है PG के, जितने भी सीट अभी तक बची हुई है उस पर आपका PG का स्पॉट काउंसलिंग हो रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है PG का, वो 23 नवंबर तक है। और आपको कैसे करना है, चलिए यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। यहाँ पर एक और पेज जैसे ही खुला, जैसे UG का काउंसलिंग हो रहा था उसी तरह से यहाँ पे PG का भी काउंसलिंग होगा। ओके, यहाँ पे कुछ डिटेल आपको नहीं देख पा रहे होंगे, जैसे ही इसे डेस्कटॉप मोड में खोलेंगे तो आपको सारे डिटेल शो हो जाएंगे। चलिए मैं आपको अब HNBU का अपडेट देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, अभी मैं हूँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन टू MA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, और बहुत सारे विषयों का आज जो है मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4th मेरिट लिस्ट ऑफ MSc MA ज्योग्राफी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन इन BGR पौड़ी कैंपस। अलग अलग कैंपस का आपका निकला हुआ है मेरिट लिस्ट। MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का भी आपका मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, 9th मेरिट लिस्ट है ये। तो आप अपडेट लेते रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट यहाँ पे आज निकला हुआ थे और कल के डेट में भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे मेरिट लिस्ट निकले हुए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए इसके साइट पे और चेक कर लीजिए कि आपका नाम है या नहीं। चलिए अब अगले यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो अब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर, राजस्थान ने अपना जो आपका एडमिशन का PG का 3rd राउंड का लास्ट डेट है वो कल तक ही है, यानी कि 23 तारीख तक है, और कल तक आपको हर हाल में पेमेंट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, ये 3rd आपका मेरिट लिस्ट है, PG का 3rd मेरिट लिस्ट है। अगर आप तो अभी तक आपका एडमिशन अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं। तो अब चलते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी के अपडेट पे। ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का नोटिस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कल के डेट का नोटिस है, 21 तारीख का आप लोग ऊपर देख सकते हैं नोटिस है। स्पेशल ड्राइव फॉर एडमिशन इन सेमेस्टर सम UG एंड PG प्रोग्राम फॉर सेमेस्टर 1 एज मैटर ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी टू फिल द वैकेंट सीट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा इज गोइंग टू कंडक्ट एडमिशन टेस्ट फॉर द एस्पायरेंट कैंडिडेट हैविंग मिनिमम एलिजिबिलिटी एज प्रिस्क्राइब बाई दी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका जो वेन्यू होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट होगा, और आपका जो ड्यूरेशन हो उसका जो टेस्ट का लास्ट डेट होगा, जो आपका डेट होगा टेस्ट का वो होगा 28 नवंबर। लास्ट डेट नहीं, आपका जो डेट होगा वेन्यू होगा वो आपका 28 नवंबर 2022 को 10:30 बजे से होगा। तो इसका एक जो भी स्टूडेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अलग अलग डिटेल के लिए जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसके साइट पे जाके, जो इसका ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारी सीटें बची हुई है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में भी 2 EWS की सीटें बची हुई है। इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज का आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी सीटें बची हुई है। यहाँ पर लिखा है कि द लिस्ट ऑफ वैकेंसी में बी वेरीज ड्यू टू द अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट और इन द मीन टाइम एनी एडमिटेड स्टूडेंट विदड्रो हिजर एडमिशन। इफ कैंडिडेट फ्रॉम OBC WS विल नॉट रिपोर्ट दैन दिस सीट विल बी फिल्ड फ्रॉम UR, एंड इफ इधर SC और ST कैंडिडेट विल नॉट रिपोर्ट दैन दिस सीट्स विल बी फिल्ड बाई इंटरचेंज एमोंग दिस 2 कैटेगरीज। तो आप लोग अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज का आप लोग मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। MBA का क्या होगा, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका होने वाला है, तो ये नोटिस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए अब अगली यूनिवर्सिटी का मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये आपका नोटिस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का, जो कि 18 नवंबर को रिलीज हुआ था, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्पॉट एडमिशन फॉर वैकेंट सीट इन MA लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी विल बी हेल्ड ऑन, जो आपका होने वाला है वो कल होने वाला है, इसलिए मैंने आपको अपडेट दिया इस वीडियो में। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकी के जो भी डिटेल हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, अब चलते हैं अगले यूनिवर्सिटी के अपडेट पे।
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फिजिक्स में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कल का नोटिस है, यहाँ पे ओपन काउंसलिंग होने वाला है। दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दूज कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन इनटू बीएससी एमएससी फिजिक्स टू अपीयर फॉर काउंसलिंग इन फिजिकल मूड एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आपका जो कैंपस है वो नाम देख सकते हैं आप, और 4 बजे आपको यहाँ पे हाजिर रहना है। तो ये है आपका पूरा नोटिस, अलग अलग सब्जेक्ट का भी नोटिस रिलीज किया गया है, जिसे आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वेबसाइट से देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हम लोग नज़र मारते हैं, और ये नोटिस है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का, जो कि 20 तारीख को रिलीज हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्लासेस के बारे में कुछ बताया गया है। एक्सटेंशन ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द पीजी सेमेस्टर 1 स्टूडेंट टिल 23rd दिसंबर एंड ऑफलाइन क्लासेस आपका जो 2nd जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आप लोग अगर इसके क्लासेस ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आपका अभी होने वाला है और 2 जनवरी से आपका ऑफलाइन क्लासेस होने वाला है। यहाँ पे आप लोग अगर क्लास नहीं जुड़े हुए हैं तो क्लास को जुड़ सकते हैं और क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो चलिए अब अगले यूनिवर्सिटी के अपडेट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका जो रिलीज हुआ था, वो आपका 7/8/11/2022 को जो काउंसलिंग डेट था इसका फिजिकली, वो आप देख सकते हैं कि इसका अलग अलग मेरिट लिस्ट अभी और आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मेरिट लिस्ट आ चुका है वो अभी एक ही या दो ही रहेगा, इसके बाद भी अभी मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसे आप लोग वेबसाइट पे चेक करते रहें, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं अन्य यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट की, अन्य यूनिवर्सिटीज़ में अभी क्या अपडेट है। और ये आपका गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका अपडेट मैं इसलिए केवल दे रहा हूँ कि ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि बहुत सारी सीटें अभी बची हुई थी पीजी की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी कोई नोटिस नहीं है, इसका जो सेकंड काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आने वाला है वो कब तक आ जाएगा इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सामने वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मैं अभी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक वीडियो बनाना एक सेपरेट अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का भी अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे जो 3.2 आपका जो काउंसलिंग का तीसरा काउंसलिंग हुआ था, थर्ड काउंसलिंग हुआ था, उसका पहला मेरिट लिस्ट कल ही रिलीज किया जा चुका था, जिसका आज एडमिशन लेने का लास्ट डेट था 11 बजे दिन तक। अब कल जो है आपका 3.2 मेरिट लिस्ट आने वाला है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपको वीडियो के बना करके सूचित कर दूंगा, अपने चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके आपको बहुत सारी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड कराया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह का ऑथेंटिक और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन सीयूटी से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैलेंट।